एक बार एक वृद्ध भिक्षु और एक युवा भिक्षु दोनों नदी किनारे से चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवती नदी में डूब रही है और बचाओ बचाओ के लिए आवाज़ दे रही है। युवा भिक्षु तुरंत नदी में कूद गया और युवती को नदी से बाहर निकाल लाया। इस तरह से उसने उस युवती की जान बचा ली। इतने में वृद्ध भिक्षु गर्म हो गए। अरे, तुमने उस महिला को छू लिया, अब मैं तुम्हारी शिकायत बुद्ध से करूँगा और तुम्हें दंड दिलवाऊँगा। दोनों बुद्ध के सामने जा पहुँचे। वृद्ध भिक्षु ने कहा, पंते, इसको दंड मिलना चाहिए। गौतम बुद्ध ने पूछा, क्यों? वृद्ध भिक्षु ने कहा, इसने एक युवती को उठाकर नदी से बाहर रखा, इसने उसे छुआ और इसका ब्रह्मचर्य नहीं रहा, इसलिए इसे प्रायश्चित मिलना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, प्रायश्चित पहले तुम करो। मैं किस बात का प्रायश्चित लूं? विस्मय से उसने पूछा। गौतम बुद्ध ने कहा, इसने तो उस महिला को उठाकर नदी किनारे ही रख दिया, पर तुम तो उसे अपने मानस में यहाँ तक उठाकर ले आए। तुम्हारे मन में अभी भी वह स्त्री है, तुम इतनी देर से उसे ढो रहे हो, इसने तो वहाँ रखा और भूल भी गया। सुनो, मैं तुम्हें परिणामों की निर्मलता के लिए चार उपाय बताता हूँ। पहला, हमेशा मन को स्वस्थ रखना और दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना। दूसरा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तीसरा, अच्छी संगति में रहना। और चौथा, प्रार्थना करना।